अंदर एसी चल रही है यार मस्त। हाँ हाँ सही है। भैया गाड़ी ले रहे हैं टीवीएस के बच्चा। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार आज थोड़ी बहुत मैं सोच रहा हूँ यार गाड़ी में छोटा मोटा जो काम है वो पूरा करवा लूँ। जैसे अभी तक भी मतलब मीटिंग नहीं लग पाई मेरा, मतलब मैं वहाँ आज तक घूम के आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक भी मतलब मीटिंग लगवाई ही नहीं मैंने। मतलब ना तो मैं फ्री हुआ उसके बाद और ना मेरा जाना हुआ ऐसा जो मैं मीटिंग लगवा सकूँ। तो अभी मतलब पिंटू भाई की शादी में भी थोड़ा बहुत बिजी हो गए थे 5-10 दिन से, और ऐसे करके कुछ भी काम नहीं हो रहा अपनी गाड़ी में कुछ भी। तो अभी देखता हूँ मैं पहले तो उमेश भाई के साथ जाता हूँ उसके बाद, क्योंकि वो क्या कोई नई वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, तो वो कल स्टार्ट हुई थी तो 24 घंटे पूरे हो गए आज 9 बजे, तो वो ख़त्म होने वाली है। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, पहले उनको लेके आता हूँ क्योंकि अभी उनके पास गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी थी तो वो चली जा रही है, तो मेम्बर ज़्यादा है तो मेरे को लेने जाना पड़ रहा है उनको। तो वो भी देखता हूँ कि शूट होने के बाद उनकी क्या हालत होती है, मैं ना ब्लॉग के अंदर बताऊँगा आपको। मतलब 24 घंटे वो कैसे रह लेते हैं यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आता एक चीज़। मतलब ये मैंने आपके हालात, मैं उनकी हालत बताऊँगा अभी देखना, ऐसी से बदतर हो जाती है हालत पूछो मत। मतलब इतनी खदा थकान आते कुछ नहीं, सो जाते हैं वापस बहुत ही लेट उठते हैं। मतलब अभी सोंगे ना तो शाम को लेट सेट उठेंगे अब वो। तो देखता हूँ जाता हूँ उनके पास, अब क्या बोलते हैं। पहुंच गया, देखो ये देखो सारा खेल ही खत्म हो गया, मतलब वीडियो खत्म हो गई। अब सारा सब कुछ उतार रहे हैं, सब कुछ टेंट वाले को बुलाया था तो वो सब डेकोरेशन है ना वापस हटा रहे। देखो इनको देखो, मतलब 24 घंटे इसके में रहने के बाद भी इतने मजे कर रहे थे। और ये एक दो वही हालत तो ये तेरी देख लेना यार, वीडियो अच्छी है। ये देख भैया आपकी हालत कैसी हुई 24 घंटों के अंदर? तो घर से बिना पूछे मेरा व्लॉग बना रहा है पूरा का पूरा। कुछ नहीं बनाऊंगा मैं। क्यों बनाऊंगा मैं? तो मैं बात सुन, तेरी हालत तो देख तू, मतलब 24 घंटे तो इसमें कैसे रह गया, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे कैसी हो गई सच में। अब जाकर उतरा मैं देख लग तू अंदर एसी चल रही है यार मस्त। हाँ हाँ सही है, बाहर ठंडी हो रही है भयंकर वाली। मतलब एसी भी लोग वाले थे, एक इतने पैसे खर्च किए तो मैं बात सुन ले आजा 2 मिनट। फ्री होके अब देखो दूसरी वीडियो की शूटिंग की तैयारी चल रही है उमेश भाई की और ये सारी पूरी टीम, थोड़े वो देखो अर्जुन भाई और ये सारी टीम, मतलब अभी जो नई वीडियो शूट होने वाली है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। देखते कल, आज तो नहीं हो पाएगी कल, तो कल स्टार्ट करेंगे नई वीडियो, तो अभी थोड़ा टाइम है। तो इस वीडियो को देखना यार, खतरनाक वीडियो आने वाली है ये वाली, ठीक है। और ये वीडियो मतलब ये वीडियो जो अपलोड होगी 24 घंटे वाली उसके उसके बाद ही मैं अपलोड करूँगा, उससे पहले तो नहीं करूँगा। सारे लगे पड़े मतलब दूसरी वीडियो के लिए। चूता मंती पागल बनती देखो इनकी, तो ये सारी नई वीडियो के लिए शूट के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये इसमें बैठ तो गए, अब ये नीचे नीचे चला जाए, अब ये नीचे चला गया तो अब पता नहीं इसमें क्या होगा। और यार एक छोटा मोटा कांड और हो गया अपनी नई धुनों के साथ, तो मैं भी थोड़े रुक के आराम से बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है। तो बिट्टू भाई को देखो, ये सबसे खतरनाक आदमी है इस वीडियो के अंदर और सबसे जोरदार आदमी है ये। ये देखो मस्त सबसे शानदार कॉमेडी यही करता है देखो बिट्टू, बाकी ये नहीं करता, ये तो कोई कर्म का ही नहीं है, मतलब का ही नहीं है। तो ये हमारा महान आदमी है जो ईद का चांद बन चुके हैं। हाँ तो भैया ईद के चांद, मैं सोच रहा हूँ छोटी मीटिंग लगवा लूँ और ये पता नहीं इसी बोलेरो को लेकर, वो बोलेरो को लेगा ना क्यों, यहाँ से लिया था भाई क्या। तो मैं मीटिंग लगवा के और क्या छोटे मोटे सामान होंगे तो मैं सामान देख लूँगा अभी। पकड़ ले भाई, नहीं बता।
बोलेरो के लिए एलईडी अभी बोलेरो के लिए एलईडी 9 इंची तो आज अपना डे सेकंड स्टार्ट हो चुका है। तो कल मैं क्या थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि पिंटू भाई की शादी थी तो रिसेप्शन था और फिर मेरे को वहाँ थोड़ा काम करवाने के लिए और थोड़ा बहुत कुछ और भी काम था तो मैं वही बिजी हो गया था थोड़ा कुछ ज़्यादा ही। तो मतलब व्लॉग शूट हो नहीं पाया, अपने आधे दिन हुआ था कल। तो अभी मतलब हम और मैं और दारू भाई जा रहे हैं गाड़ी आर से लेने। अब क्या बहुत टाइम से गाड़ी आर से आ नहीं रही थी तो डर भी था। जो उसके बाद भी मतलब हम हिमाचल उधर घूम के आ गए, मतलब कोई रोकाटों का तो हुई नहीं वहाँ पे, तो किस्मत थी वो अपनी। तो अभी गाड़ी पहले आर से लेकर आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर उसके लिए टाइम वेस्ट करेंगे तो अपना घाटा ही है उसमें। तो अभी आर से लेकर आते पहले, फिर उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ घूमने चलना है और कहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब वापस कहीं पर निकलना पड़ेगा। पहले हम सोच रहे थे कि यार आज जयपुर जाए, अमित भाई का मीटअप है, आपको बताऊंगा आज की तारीख 18 तारीख हो गया, 18 तारीख को उन्होंने मीटअप रखा था जयपुर के अंदर, वहाँ जाने वाले थे लेकिन सब कैंसिल हो गया अपना, क्योंकि कोई रीज़न था उस वजह से हम जा नहीं रहे। बाकी छोड़ो वो बात ही बात है। तो अभी फिलहाल आर सी लेके आते हैं तो फिर बाद में देखेंगे। और अभी तो दिलराज भाई भी मीटअप के लिए गए हुए हैं, शायद एमपी गए हैं, हाँ एमपी गए हैं वो आज मीटअप के लिए, तो उनकी वीडियो भी आने वाली है एक मस्त वाली, फिर उसके बाद अपनी वीडियो आएगी तो धमाल मचाएगा मस्त। गए हम भैया गाड़ी ले रहे हैं टी वी एस के बच्चा 310 विदाउट सेल्फ, मैं बोल रहा हूँ सेल्फ ले लो, लेकिन ये बोल रहे विदाउट सेल्फ बढ़िया है। टीवीएस अपाचे के अंदर कब से आने लगी ये बताओ पहले। टीवीएस अपाचे 310 के अंदर न्यू वर्जन अच्छा आपने निकाली क्या? हाँ हमने निकाली न्यू वर्जन। तो भैया ये वाली नहीं, वो वाली गाड़ी ले रहे, वो वाली बेकार है, कोई मतलब नहीं नई वाली स्प्लेंडर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, यो ब्रो आ गई, बहुत पैसा बढ़ा है, फोन लेने की जरूरत है बता भाई। पता नहीं क्या है वो, टीवीएस की गाड़ी ले तो वो तो नहीं ली। भैया आए अभी केटीएम के शोरूम पे, तो भैया को अभी केटीएम पसंद आ रही है तो केटीएम लेंगे। केटीएम लोगे ना? ओ भाई साहब केटीएम अभी एक्सीडेंट हो रखी है, ठीक हो नहीं रही है और ना कंपनी वाले कर रहे हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और अभी घर पे जल्दी आ गया क्योंकि मेरे को आज एक गेट लगवाना है वहाँ पे, मेन जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। और आज का वर्ग मैं यही एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज मतलब पूरा व्लॉग शूट ही नहीं हो पाया आज यार, न कल हो पाया, कल भी ऐसे रह गए आज भी ऐसे रह गए, आज ही बहुत सारे अपने जो काम थे वो पेंडिंग ही रह गए, मतलब बहुत सारे। तो व्लॉग को भी यही एंड करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद जय भारत।